आखिरी टाइम मुझे पीछे अस्सलाम वालेकुम। तो आज 13 सितंबर है और आज ज़ैनबी आर्ट एग्ज़िबिशन का लास्ट डे है, जो कि पिछले साल हुआ था अशरा आर्ट एग्ज़िबिशन के नाम से, जिसमें मैंने वो डॉक्यूमेंट्री में फर्स्ट पोजीशन लिया था। तो अभी हम जा रहे हैं उस एग्ज़िबिशन में और आज उसका लास्ट डे है, तो अभी भी बहुत लेट हो चुके हैं, तो बाकी बातें वही करेंगे। बैठो। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मदरसे अली इब्ने अबी तालिब, जहाँ पर वो आर्ट एग्जीबिशन है। तो अभी बहुत लेट हो चुका है, सारे लोग अभी आ चुके हैं। गेट भी हम जाएंगे कि दुआ करो कि हमारे लिए जगह बचाओ। गेट दिखा दो, गेट ये खाहर की हौसला अफजाई के लिए बुलंद आवाज से दुरूद भेजिएगा। पिक्चर नंबर 24, बिस्तुचार पिक्चर नंबर पेंटिंग नंबर 24, उनसे मैं मुंतमिस हूँ मोहतरमा। पिक्चर नंबर 24 स्पेशल प्राइजेस मेरे पास पोजिशन है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ सुबह का जो इनाम वसूल कर चुके हैं, मैं उन सबसे गुजारिश बहुत पॉजिटिव होता है, पता है, आप अच्छी फोटोज ना बनाए तो प्रोग्राम की कवरेज नहीं करती। आप तशरीफ लाइए यहाँ, और ये जो एग्जीबिशन हमने लिया था इसके लिए आपसे ज्यादा कोई मेहमान सूटेबल नहीं था। हमने बड़ी सोचा आपसे ज्यादा क्या मैसेज आप दे रहे हैं थे यहाँ पर अशरा आर्ट एग्ज़िबिशन में। यहाँ पर आपने देखा कि हमारे उलमा थे और असिस्टेंट कमिश्नर निदा काजमी भी यहाँ पर मेहमान खुसी थे। तो यहाँ पर सब ने बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाए थे,
और इनकी पेंटिंग्स हम आपको दिखाएंगे। तो इनका जो आर्टिस्ट लोगों का जो टैलेंट है वो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये कॉम्पिटिशन्स वगैरह एक किस्म के मतलब इनके स्किल को अपग्रेड करने के लिए है, ताकि ये इसका इन लोगों का स्किल अपग्रेड होता जाए और इसी वजह से ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं ताकि हम इनको अप्रिशिएट करें। तो ये आगा ताहिर, ये क्या बोलेगा हम इनसे सुनेंगे? आगा ताहिर से भी इस्तेफादा करें। आगा ताहिर, आप क्या कहेंगे आज के एग्जीबिशन के हवाले से? सबसे पहले तो आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुसवी फिल्म्स का स्पेशली जिस अंदाज़ में आप मुख्तलिफ़ एरियाज़ मुख्तलिफ़ चीज़ों को कवरेज दे रहे, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स आवाम के साथ शेयर कर रहे हैं, वो काबिल दाद है। ज़ैनबी आर्ट एग्ज़िबिशन आज तीसरा दिन था और यहाँ पर तकरीब तकसीम इनामात का भी दिन था। मेरे ज़ाती जो राय था, मैं समझ रहा था कि शायद 20 से 30 लोग ही ऐसे होंगे जो यहाँ पर अपने आर्ट्स की नुमाइश करेंगे, लेकिन वो यहाँ पर 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स आए। तब जाके अंदाज़ा हुआ कि हमारी सोसाइटी में ऐसे आर्टिस्ट बहुत मौजूद है, और ना सिर्फ ऐसे आर्टिस्ट, बाज़ आर्टिस्ट होते हैं वो गोशानशीन है, जैसे मैं शायरों की अक्सर मिसाल देता हूँ, ये ऐसे आर्टिस्ट है जो सोशल भी है। तो बहुत खुशी हुई, एक किस्म से इंसान को जज्बा मिलता है। और भी जितने लोग हैं, मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि आपके अंदर जो भी सलाहियत है, आप जब महसूस करते हैं कि मेरे अंदर फ़लाँ सलाहियत है, तो उसे बरूए कार लाए और उसे उसकी नशो नुमा करें। इस माशरे में आप अपने सलाहियतों के ज़रिए भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं माशरे की बेहतरी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे ताहिर भाई थे जो कि हज़ार टाउन में बहुत फाल रहते हैं। तो ये जो सारे जो पेंटिंग्स है, इनका मौजू था हिजाब। हिजाब के वाले से सब आर्टिस्टों ने पेंटिंग्स भी बनाए थे, और कैलीग्राफी की भी एक कंपटीशन अलग थी। तो हर आर्ट में एक अलग जो वो नज़रिया होता है ना, उस नज़रिए से आर्टिस्टों ने अपना वो नज़रिया पेश किया है। एक पैगाम है जो कि माशरे के लिए इनका पैगाम को लोग देखें और इस पर अमल करें। तो हमें हमेशा आर्टिस्टों की मतलब कदर करनी चाहिए और इनको हमेशा अप्रिशिएट करनी चाहिए। तो अभी देखेंगे और पेंटिंग्स। आज के इस ज़ैनबी आर्ट एग्ज़िबिशन में जो जूनियर कैटेगरी के जो पेंटिंग्स थे, तो उनमें फ़र्स्ट पोजीशन जो है वो अली गौहर का था। आप उसकी पेंटिंग देख सकते हो कि बहुत ही खूबसूरत है। और सेकंड पोजीशन 80 नंबर का, इसका मुझे नाम मालूम नहीं है, ये पेंटिंग जो है वो जूनियर कैटेगरी में सेकंड पोजीशन 80 नंबर पेंटिंग का है। और अभी आपको ले जाएंगे थर्ड पोजीशन पे जाने। इस पेंटिंग कंपटीशन में ये जूनियर कैटेगरी का थर्ड पोजीशन है, पेंटिंग नंबर 73। इसी तरह ज़ैनबी आर्ट एग्जीबिशन के सीनियर कैटेगरी में जो पोजीशन होल्डर्स थे, उनमें फ़र्स्ट पोजीशन जो है वो पेंटिंग नंबर 37 है। आप अगर इस पेंटिंग को गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जो आइडिया है वो क्या है। और सेकंड पोजीशन जो है वो पेंटिंग नंबर 36 है, ये बहुत खूबसूरत काम किया हुआ है इस पर। और थर्ड पोजीशन जो है वो इस सीनियर कैटेगरी में पेंटिंग नंबर 27 है। वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तस्वीर खींचना मना है, लेकिन हम वीडियो बना रहे हैं। तो अभी हम आए थे बिरोली नज़र उठाऊँ, हमने सारे जो पेंटिंग्स हो रहे थे हमें देख लिया, फिर अभी हमने एक साथ चाय भी खा लिया, थोड़ा गपशप भी हुआ। तो अभी हम जाएंगे मरियाबाद, फिर वहाँ पर मजलिस होगी, फिर उसके बाद जुलूस निकलेगा। जुलूस निकलेगा और शहादत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से जुलूस निकलेगा, तो हम उसमें भी शिरकत करेंगे। अभी हम जाएंगे मरियाबाद। तो
अभी हम हज़ार टाउन से आए हैं, बहुत माजरत के मैं मतलब ये माइक ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत शोर है और आवाज़ नहीं आएगा अच्छी तरह से। तो अभी हम मरियाबाद पहुँचे और रास्ते में हमें एक दस्ता जुलूस मिला है जहाँ पर ये घर पे एक नियाज था, तो हम यहाँ पर आए नियाज खाने, भूख लगी थी। इसके बाद मजलिस जाएंगे और हमारे पास है अयान। कैसे हो? तो अभी ये शर्मा रहा है, तो अभी हम ये नियाज खा के जल्दी से जाएंगे मजलिस के जगह, फिर नहीं बचेगा। गुले अज़ रुख